खबर अयोध्या से है, जहां जिला सहकारी बैंक लिमिटेड फैजाबाद के सभागार कक्ष में कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन उत्तर प्रदेश के संबंध भारतीय मजदूर संघ की हाई पावर कमेटी और 16 जिला सहकारी बैंक यूनिट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी ने भाग लिया। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के प्रदेश महामंत्री सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि आज विभिन्न जिलों से हमारे कोऑपरेटिव बैंक के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए थे, जिसमें हमारी हाई पावर कमेटी की मीटिंग के द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें प्रमुख रूप से प्रदेश के समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग रखी गई और कंप्यूटराइजेशन में हो रहे घोटाले की जांच और DGM के कैडर को तत्काल समाप्त करने की मांग भी की गई। मांग मेरी 2-3 साल से लगातार चल रही है, मांगे हमारी पूरी नहीं की जा रही है। तो आज की बैठक तो अब निर्णय की बैठक है। आज बैठक में सभी ने निर्णय लिया है कि आंदोलन किया जाएगा। सिर्फ बैठक में भी डेट नहीं डिसाइड हुआ है, अभी भोजनावकाश के बाद डेट फाइनल कर दिया जाएगा। हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहे हैं, सभी बैंक बंद होंगे। निर्णय लिए गए हैं कि जो परिपत्र 6-7 जनवरी 2022 को जारी हुए हैं वेतन परिषद संबंधी, उसको तत्काल पूरे प्रदेश में लागू किया जाए, SLIC समाप्त किया जाए, DGM के कैडर को समाप्त किया जाए। अगर ये नहीं किया जाता है तो हम अभी सरकार विभाग को पत्र देंगे, कल सप्ताह भर का समय देंगे, इसके बाद फिर हम आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, बैंक बंद करेंगे। तब तक ये रहेंगे जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी की जाती है, पूरे प्रदेश के बैंक बंद रहेंगे।